और कैमरामैनों को मारा गया है, थाना सेक्रेटेरिएट में मौजूद है। उसके अलावा हमें 5 बजे बुलाया गया था, 4:30 बजे हम लोग आ गए, इसलिए कि DSMGs लाइन अप करनी पड़ती है। 5:15 बजे हमें अंदर बुलाया गया। ये कुछ ऐसे मामलात हैं, पनीगाला में भी यही होता है। तो आज इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ आपसे वो कर रहे हैं कि कम अज़ कम हमारी इज्जत का ख्याल कर रहे हैं। सारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, मतलब हमें पूरी तरह जलील किया जाता है इस समय ज्यादा अल्फाज। जब हम अंदर आने लगे हो तो पुलिस वाले पीछे से हमें बल्कि पकड़ रहे हैं कि नहीं जाना नहीं जाना। ये भी बड़ी मैं जी सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि जो नैब के बाहर ये इंसिडेंट हुआ है, मैंने अभी नैब विभाग से बात की है। फौरी तौर पे हम इसके ऊपर इंक्वायरी करने लगे हैं, हमारे पास शॉट्स भी हैं। जो भी जिम्मेदार होगा कि जिसने भी मीडिया के साथ ज्यादती की है, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। मैं आप माजरत भी चाहता हूँ और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हम इंशाल्लाह उसके ऊपर एक्शन लेंगे। बाकी जो आपके कंप्लेंट्स हैं ये इंशाल्लाह आगे से नहीं होंगे। हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इधर ही है, हम सारी सहूलतें आपके लिए देंगे ताकि आपको आगे से कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, ना KP हाउस आपको प्रॉब्लम होगा ना पनीगाल होगा। ओके, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा जी, आज की एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी डिटेल्स में करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक लैंडमार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमें कहा जाता है ना मुखालिफी कि जी किधर है नया पख्तूनख्वा, तो मैं आज बताना चाहता हूं कि हम अब तक बड़ा मुख्तसरन के जो हमने चीज़ें की और अब जो हम करने जा रहे हैं, आज मैं अनाउंस करने लगा हूँ एक ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई पहले। यानी वो कदम उठाने जा रहे हैं जो हमारे मंशूर का भी हिस्सा था, हम अब तक कर नहीं सके। क्यों इसलिए कर नहीं सके? क्योंकि पहली दफ़ा पार्टी गवर्नमेंट में आई, पहली दफ़ा हमने हमारे वजीर तो छोड़े, MPs पहली दफ़ा बने, तो हमने परवेज हटक वाहिद एक्सपीरियंसड आदमी थे, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता सीखा है। तो अब हम उस पोजीशन पे हैं कि अब हम अपने नेक्स्ट फेज में जाने लगे, वो काम करने लगे हैं जो पाकिस्तान में कभी पहले नहीं हुआ। तो पहले तो मैं इधर ये परवेज हटक पीछे से जरा खामोश हो जाए प्लीज, आवाज नहीं आ रही, बहुत शोर मचा हुआ, थोड़ा खामोश हो जाए। पहले तो जी मैं परवेज हटक की हुकूमत को, जो इन्होंने रिफॉर्म्स किया है, जो लोगों को एम्पावर किया है, इदारों को मजबूत किया है, सर्विस डिलीवरी यानी राइट टू सर्विसेज एक्ट पास किया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया, जो पुलिस को एक गैर सियासी किया है। आज मैं वो पढ़ रहा था बयान IG सिंध का, उन्होंने कहा IG सिंध ने कि सबसे ज़्यादा रुकावट पुलिस के सामने है कि वो गैर सियासी नहीं है, सियासी मुदाखलत है। ये IG सिंध का है। तो आज आप जाके IG पख्तूनख्वा से पूछ रहे नासिर दुरानी से कि वाहिद पुलिस है जिस पर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो लेकिन मैं हम अब उससे आगे स्टेप जाने लगे हैं, तो मैं बताने लगा हूँ। स्कूलों के अंदर मैं आतिफ खान को ख़ास तौर पर मुबारक देता हूँ कि आज सारे मिसाली हैं, टीचर अटेंडेंस में, मॉनिटरिंग में, स्कूलों के अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है, तो ये भी एक जो तालीम के ऊपर जोर था वो आपके सामने है। और इंडिपेंडेंट सर्वेज आप देख लें, और जो हॉस्पिटल्स हैं वो तरीके इंसाफ काम कर गई है इनकी, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट, जो कभी पहले नहीं हुआ कि पहली दफ़ा हमने एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम चेंज किया। मौजूदा सिस्टम में कभी रिफॉर्म हो ही नहीं सकती थी, तो पहली दफ़ा एक चेंज लेके आए हैं। बड़ी रुकावटें मिली, डॉक्टर्स को पहले साथ लाना पड़ा, फिर स्टे ऑर्डर्स का मुकाबला करना पड़ा, अभी भी हैं रुकावटें, लेकिन इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में मसाली अस्पताल बनने जा रहे हैं जो कि हमने एक नया सिस्टम लेके आए हैं। तो वो एक लहदा, उसकी भी मैं बहुत मुबारक देता हूँ। बिलियन ट्री सुनामी, पहली दफ़ा एक पार्टी ने जिम्मेदारी ली है अपने आने वाली जनरेशन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। ये भी बहुत बड़ी इनकी कामयाबी है कि अब तक 30 करोड़ दरख्त लगा चुके हैं,
और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज है हमारी, और इंशाल्लाह हम हमारी 1 अरब 20 करोड़ दरख्त इंशाल्लाह 2018 तक हम लगा देंगे, ये भी हमारा जो वादा है इसके ऊपर हम जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट सर्वेज है इसकी, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उन्होंने सर्वे किया है और उन्होंने कहा है कि 85% सक्सेस रेट है हमारे दरख्तों की। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ, हाँ, जो मैं कहना चाहता था कि पिलडेट का सर्वे है कि पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा करप्शन थी 3 साल पहले और आज सबसे सूबों में कम करप्शन है आज पख्तूनख्वा के अंदर। कोई जब मैंने कहा 90 दिन के अंदर, प्लीज़ ज़रा सुनो, 90 दिन में हम करप्शन, बड़ी करप्शन ख़त्म करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ बड़ी करप्शन। कोई मुझे बता दे कोई बड़ा करप्शन का केस हुआ होगा पख्तूनख्वा के अंदर आप पिछले 3 सालों में, आपको नहीं नज़र आएगा, छोटे लेवल पर कर रहे हैं। अब मैं जो आपके सामने ये 12-13 पॉइंट्स, जो 13 पॉइंट का चार्टर है वो रखने लगा हूँ, ये है जो अब हमारा अगले, जो कि इंशाल्लाह कोई और कभी पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ, किसी सूबे ने नहीं किया, ये सारे सूबों के लिए मिसाल बनने जा रही है जो अब हम, मैं आपके सामने अनाउंस करने लगा हूँ, 13 पॉइंट का चार्टर। सबसे पहले कि बल्दियाती निज़ाम जो हम लेके आए हैं, पहली दफ़ा विलेज काउंसिल्स इलेक्ट हुई हैं। अब हम अब तक वो जो एम्पावरमेंट हम चाहते थे नीचे तक नहीं पहुंची। अब परवेज सटक ने इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बना दी है, बल्दियाती नुमाइंदों से बात भी हो गई है, मुकम्मल तौर पे हम उनको फाइनेंशियल पावर्स दे रहे हैं मुकम्मल तौर पे, 33 अरब रुपया नीचे बल्दियात में जा रहा है। मुशर्रफ के दौर में 1 अरब 60 करोड़ रुपया बल्दियात में गया था पख्तूनख्वा में, अब 33 अरब रुपया नीचे बल्दियात में जा रहा है। तो सुबह सुबह ये याद रखें कि ये पहली दफ़ा किसी ने भी पावर दिए नीचे बल्दियात में। नंबर 2, विलेज काउंसिल्स इलेक्ट हुई हैं। नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स भी डिवॉल्व कर दिए नीचे तक, पुलिस का भी नीचे पब्लिक सेफ्टी कमीशन बन गई है पहली दफ़ा, कि जो लोकल बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन पे होंगे, पुलिस के ऊपर भी चेक होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है उसके भी, उनकी भी नीचे तक चली गई है पावर्स। ये पहली दफ़ा पावर डिवॉल्व नीचे तक हुई है, जो अब तक 1 साल लगा है हमें, और अब बल्दियाती नुमाइंदे से बैठ के परवेज हटक ने कमेटी बनाई थी, उन्होंने ये पूरे सारे जो मसले रिजॉल्व कर दिए, और हम इंशाल्लाह देखेंगे कि सारे पाकिस्तान में मिसाल बनेगी, और आप खुद ही देख सकेंगे कि सिंध में कितनी पावर गई है नीचे, पंजाब में कितनी गई है, और पख्तूनख्वा में कितनी पावर नीचे तक गई है। दूसरा, एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनने हमने फैसला किया, सेटअप करेंगे, जो कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सेटअप कर लिया है, जो कि जो फंड्स होंगे डेवलपमेंट रिसोर्सेज वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नीड्स बेसिस के ऊपर जाएगा, कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं होगी, यानी इस पे कोई ये नहीं होगा कि ये तरीके इंसाफ की या बल्दियात में जीती है या कुछ भी, डिस्ट्रिक्ट में नीड बेसिस के ऊपर पब्लिक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नीचे तक वो फैसला करेगी पैसा पहुंचाने की, इसमें कोई डिस्क्रेशन नहीं होगी। और वो तीसरा ये कि सारे डिस्क्रेशनरी फंड्स खत्म हो रहे हैं आपसे, कोई डिस्क्रेशनरी फंड नहीं होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, या प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रेशनरी फंड है, वहाँ चीफ मिनिस्टर के हैं, पंजाब में हर सिंध है, पख्तूनख्वा में सारे कोई डिस्क्रेशनरी फंड नहीं रहेगा, ये तीसरी चीज है। चौथा, और ये बड़ा मुश्किल है, मैंने अपने एमपीज को सारों को बड़ी मुश्किलों से मनवाया इस चीज के ऊपर, कि अब से कोई डेवलपमेंट फंड एमपीए के पास नहीं जाएगा, क्योंकि अब हमारे बल्दियात काम करने शुरू कर दिए, डायरेक्टली फंड नीचे जाएंगे बल्दियात में, या जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होंगे गवर्नमेंट के उन प्रोजेक्ट्स में जाएंगे,
منسٹریز کے ذریعے جائیں گے، لیکن ایم پی ایس کے پاس جو 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 ساری دنیا کے اندر ہیں، جو ساری دنیا کی ڈیموکریسیز میں ہیں، ایم پی ایس کا کام ہے قانون سازی، اور وہ پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو قانون سازی کرتے ہیں اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ بھی ایم پی ایس دیکھیں گے، لیکن ڈیولپمنٹ اب کام بلدیات میں چلا جائے گا، یہ سب سے بڑا چینج ہے یہ. اور بدقسمتی سے 1985 سے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں نان پارٹی بیسس میں ڈیولپمنٹ فنڈ رشوت کے طور پہ استعمال کیے گئے، جس کے ذریعے لوگوں کو خریدا گیا، سیاستدانوں کو، جس کی وجہ سے کرپشن بڑی سارے پاکستان میں. اس لیے یہ ختم کر رہے ہیں ہم، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سارے صوبوں کے لیے ایک مثال بنے گی کہ یہاں ہمارے جو ایم پیز ہیں وہ کانسنٹریٹ کریں گے قانون سازی پہ، اور جو اصل کام ہے نیچے کرنے کا وہ بلدیاتی نمائندے کریں گے. ہمارا اب ہم نئے قانون آ رہے ہیں اس سیشن کے اندر، اور انشاءاللہ جیسے یہ سیشن شروع ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا قانون جو ہم پاس کرنے لگے ہیں وہ نیا احتساب لا ہے. یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور احتساب ہے، یعنی کہ بالکل انڈیپینڈنٹ امپاورڈ احتساب سیل بننے لگے، جو پہلے سے تھا جس کے اوپر بڑا شور مچا کے ہم نے اس کے پاورز دیے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس سے بھی زیادہ امپاورڈ ہے یہ جو نیا احتساب لا اس اب آپ پاس کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی چیز آ رہی ہے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں آئی، وسل بلور ایکٹ. ڈپارٹمنٹس کے اندر لوگ اگر جو بھی ایک نشاندہی کرے گا کرپشن کی ایک ڈپارٹمنٹ میں، 25% وہ ریکوری جو ہوگی وہ اس کو ملے گی، اور اس کی شناخت کو ہم چھپا کے رکھیں گے، سیکرٹ رکھیں گے، خفیہ رکھیں گے، یعنی نام سامنے نہیں آنے دیں گے وسل بلورز کا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ کرپشن کو فائٹ کرے گی، کیونکہ ڈپارٹمنٹس کے اندر سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو جو بھی نشاندہی کرے گا کرپشن کی 25% وہ جو بھی ریکوری ہوگی وہ پیسہ اس کے پاس جائے گا. وسل بلور ایکٹ. آٹھواں کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا، یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یہ آ رہا ہے، یہ اب تیار ہو گیا لا، یہ اب ہم پاس کرنے لگے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اس کو تیاری میں دیر لگی کیونکہ کبھی پاکستان میں ایسا تھا نہیں. بڑے ہمارے مسئلے مسائل ہیں کہ لوگ کانٹریکٹرز پولیٹکس میں آتے ہیں صرف اس لیے کہ پولیٹکس میں آئے، اقتدار میں آئے اور کانٹریکٹس مل گئے، اور ہمارے سامنے، میں نام نہیں لیتا، آپ سب جانتے ہیں، چھوٹے سے کانٹریکٹر تھے، الیکشن جیت کے وہ اربوپتی بن گئے ہیں جب سے وہ پولیٹکس میں آئے ہیں. اور ہم سب سے بڑا مثال ہے شریف خاندان کی کہ اقتدار میں آنے سے پہلے ایک فیکٹری تھی، 12 سال اقتدار کے بعد 28 فیکٹریاں ان کی خاندان کی ہو گئی. اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. اس کے خلاف ہم پہلی دفعہ قانون پاس کرنے لگے. اس کے بعد ایک گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی بننے لگی ہے، جو کہ یہ سارا پیچھے مکنیال سے لے کے ساری گلیات کے اندر ایک اتھارٹی بنے گی، جو کہ اب چلائے گی، یعنی جو ہمارا بیوروکریسی کے اندر ڈیلیز ہوتی ہیں، دیر لگتی ہے، کام نہیں ہوتا، صفائی نہیں ہوتی، یہ ہم اسی طرح کی اتھارٹیز باقی جگہ بھی بنانے لگے ہیں، کاغان میں بھی بنانے لگے ہیں. یہ اتھارٹیز بنے گی، یہ چلائیں گی، یہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ لیں گی، یہ ایک بالکل نئے طرز ہوگا کہ مائی گورننس کا. اس کے لیے ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو گلیات اتھارٹی ہوگی سارے فیصلے یہ کرے گی، اور اس گلیات اتھارٹی میں مجھے بڑی خوشی ہے، میں یہ اسپیکر صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو مبارک بھی دیتا ہوں. جو چیف منسٹر ہاؤس ہے نتھیا گلی میں اور اسپیکر ہاؤس ہے نتھیا گلی میں، یہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نیچے چلا جائے گا. اس کو اور سارے ریسٹ ہاؤسز کو پہلے بھی 5 ہم دے چکے ہیں، اب یہ بھی چلے جائیں گے، سارے ریسٹ ہاؤسز چلے جائیں گے. جو اتنا زیادہ رش جاتا ہے وہاں، بجائے یہ کہ کروڑ روپیہ خرچ ہو ٹیکس پیئر کا ان کے اوپر، اب سے یہ ریسٹ ہاؤسز جو بھی پیسہ کمائیں گے وہ ہم علاقے کے اوپر خرچ کریں گے. تو کروڑ روپیہ اب ہم کمائیں گے. اس میں میں پھر سے چیف منسٹر کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمارے قربانی کوئی نہیں دیتا، اقتدار میں آ کے پھر پورے فائدے اٹھاتا ہے، آپ دیکھ لیں جو باقی لوگ ہیں کتنے فائدے اٹھاتے ہیں. تو یہ پبلک کے لیے اب ہوگا، اس سے پیسہ بنایا جائے گا جو پیسہ عوام پہ خرچ ہوگا.
और चीफ मिनिस्टर हाउस, ये भी हमारा वादा था कि हम ये जो चीफ मिनिस्टर हाउस है, गवर्नर हाउसेज हैं, इंशाल्लाह जब इक्तदार में आएंगे तो उनसे भी यही करेंगे। चीफ मिनिस्टर हाउस पेशावर जो है, इसके अंदर हम इजाज़त देंगे टॉप टैक्स पेयर्स को और टॉप इन्वेस्टर्स को, जो भी बड़ा इन्वेस्टर आएगा उसको मौका होगा कि वो वहाँ जाके ठहर सकता है, और जो भी टॉप टैक्स पेयर होगा सूबे का, उसको मौका देंगे कि वो वहाँ जाके ठहर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो मेहमान बन के वहाँ रह सकते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं टैक्स पेयर्स को और इन्वेस्टर्स को पख्तूनख्वा के अंदर, कि उनको एक प्रिविलेज मिले बजाय वो के बजाय बोझ बने, एक स्टेट इनको अभी तक खाली पड़ा था क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो नहीं रहते उसमें, अब वो हम उसको इस्तेमाल करेंगे बड़े वो लोग जो कि सूबे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इन्वेस्टर्स और टैक्स पेयर्स। ये बहुत बड़ा एक ये मैं बाकियों के लिए कह रहा हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या बाकियों में हिम्मत है जो इक्तदार में आके बादशाह और मुगले आजम बन जाते हैं, क्या उनमें सादगी का ये है कि पब्लिक के पैसे पे 777 जहाज जाता है वहाँ से करोड़ों रुपया खर्च करके, तो खान 25 लोगों को लेके आता है। ये हम साबित कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं, सिम्बॉलिक है ये कि पब्लिक के टैक्स पेयर के ऊपर हम आशी नहीं करेंगे हम, बल्कि पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाएंगे। सारी कौन सा सारी क्लास फाइव के ऊपर जितनी भी अब भर्तियां होंगी, ये सुन लें, ये भी बहुत बड़ा इनकलाब है, क्लास फाइव के ऊपर जो भी अब भर्ती होगी पख्तूनख्वा में सारी एनटीएस सिस्टम के ऊपर होगी, नेशनल टेस्टिंग सर्विस 80% हो रही है, बाकी 70% इदारों में पहले ही हो रही थी, जो बच गए हैं आप सबके ऊपर एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस के मुताबिक होगी। ये नहीं होगा कि कोई इकतदार में आके फ़ायदा उठा के लोगों की भर्तियां करवाए, इसके ऊपर भी लोग पैसा बनाते थे माजी में, हमने फैसला किया कि सब कुछ अब मेरिट के ऊपर होगा, और ये यूथ के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि नौजवानों का ये बहुत बड़ा इशू है। अभी आपने देखा खैबर मेडिकल कॉलेज में वो एंट्रेंस के लिए आपने देखा कि सड़कें बंद होगी, लोग 27,000 लोग बेचारे अप्लाई करने के लिए आए क्योंकि बेरोज़गारी है। तो ये इस पे माजी में पैसे लिए जाते थे लोगों को भर्ती करने के लिए, हमने फैसला किया है कि सारा कुछ आप क्लास फाइव के ऊपर एनटीएस के ऊपर डाल देंगे। हम तो उससे नीचे भी डालना चाहते थे, लेकिन वो क्योंकि वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है क्लास फाइव से नीचे, इसलिए नहीं कर रहे, लेकिन वो जिस इलाके के होंगे उधर सही हो गए। फिर जी जो एक बहुत बड़ा इशू है वो है लोअर जुडिशरी रिफॉर्म्स, लोगों के केस आम आदमी फंस जाता है, इंसाफ नहीं मिलता, तो अब पूरी कमेटी हमने बैठा दी है, लोअर जुडिशरी रिफॉर्म्स करने लगे हम, ताकि लोगों के केस आम आदमी के लिए जल्दी जल्दी फैसले हों उनके केसेस के, क्योंकि इंसाफ मिलता नहीं और उसकी वजह से जुर्म होते हैं, लोग कत्ल छतल करते हैं। हमारा मदरसा रिफॉर्म, ये याद रखें, ये मदरसा रिफॉर्म्स की कोशिश की गई थी, एक मदरसा रिफॉर्म हम जनरल मुशर्रफ के दौर में $100 मिलियन अमरीकनों ने दिया था पाकिस्तान में मदरसाज को रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन मदरसाज ने रिजेक्ट कर दिया था वो, उसमें से सिर्फ हमने चेक किया है $4 मिलियन इस्तेमाल हुआ था, बाकी रिजेक्ट हो गया था। हम ये जो साइन कर रहे हैं ये MOU, ये जो मेरे पास है, ये हम अलहदा ये साइंड MOU है हकानिया मदरसे के साथ, ये हम सारे मीडिया को रिलीज़ करने लगे हैं, क्योंकि बड़ा शोर मचा के जी एक मदरसे को क्यों पैसा दिया, ये हम वो चीज़ करने लगे हैं जो पाकिस्तान में बहुत पहले होनी चाहिए थी। मदरसे के अंदर कई दफ़ा इस माशरे के सबसे गरीब तरीन तालिब इल्म जाते हैं, गरीब तरीन घरानों के बच्चे जाते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में ही नहीं आने देते हम, क्योंकि जो तालीम मिलती है वो मेन स्ट्रीम में आ नहीं सकते, अच्छी नौकरियाँ नहीं मिल सकती। हमने ये जो उनके साथ MOU साइन किया है ये हम आपको रिलीज़ कर देंगे, इसमें आप देखेंगे कि हम उनको साइंसेस पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो उनको नौकरियाँ मिलें, इंजीनियरिंग वो सब्जेक्ट्स उनको भी साथ पढ़ाएंगे दीन के अलावा,
تاکہ وہ معاشرے کا حصہ بن سکے، تاکہ ان کو نوکریاں مل سکیں، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اٹھا سکیں اس معاشرے کے اندر. تو یہ ایک اس کے اوپر بڑا شور مچا کے جی ہم نے وہ کوئی پتہ نہیں کیا ظلم کر دیا. ہمارا یہ منشور کا حصہ ہے کہ ہم جو سلیبس ہے، تین مختلف سلیبس چل رہے ہیں، میڈیم، اردو میڈیم اور دینی مدرسے. ہماری کوشش ہے ان کو انٹیگریٹ کرنے کی، ایک کور نیشنل سلیبس بنانے کی. اور خاص طور پہ 22 لاکھ مدرسے کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملتا یہ سائنسز پڑھنے کا اور ماڈرن ایجوکیشن کا، یعنی ان کو دین کے علاوہ باقی بھی. تو یہ جو ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے، یہ ہم آپ کو ریلیز کر دیں گے. جو چاہتے ہیں یہ دیکھیں. یاد رکھیں، یہ جنرل مشرف کے دور میں فیل ہو گئے تھے کرنے، مدرسوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ کے پی اپنے سے شروع کر رہی ہے مدرسہ ریفارمز. اس کے بعد ایک منٹ آخری ہے، آخر میں جی ایک میں رستم شاہ ممان کے نیچے ایک کمیٹی بنائی ہے پرویز خٹک کی، یہ اس کو اوورسی کریں گے. ہمیں مسئلہ آیا ہوا ہے اس وقت کہ افغان مجاہدین، افغان مہاجر جو ہیں، اس وقت 15 لاکھ ہیں، زیادہ تر پختونخوا میں ہیں. اس کے اوپر ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ ایک تاثر ہے کہ ان کی وجہ سے کرائم بڑھ رہی ہے اور کئی دفعہ ان سے بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی لوگ مہاجر دل سے بننا نہیں چاہتے، کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا. یہ لوگ ویسے ہی اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. پختونخوا کے لوگوں نے اتنی مہمان نوازی دکھائی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور یہ بھی متاثرین ہیں. تو میں مجھے بڑا افسوس ہے کہ کوئی بھی مہاجر، یہ جو بیچارے اپنے گھر چھوڑ کے افغان رہ رہے ہیں، ان سے کسی قسم کی زیادتی نہ ہو. اس لیے رستم شاہ ممان کے نیچے میں کمیٹی بنا رہا ہوں جو کہ افغان جو مہاجرین ہیں اور جو کہ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے بیچ میں ایک کمیٹی بیٹھے اور یہ سارے مسئلے حل کرے. جو ایڈمنسٹریشن کو پرابلمز آ رہے ہیں وہ بھی مسئلے حل ہوں، اور جو مہاجرین جو بڑے مشکلوں میں رہ رہے ہیں، جن کے لیے بڑا مشکل حالات ہیں، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو. تو میں نے یہ آخری اس کے بعد یہ جو افغان مہاجرین ہیں، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں پختونخوا کے لوگوں سے کہ مجھے پتہ ہے آپ نے بڑی مہمان نوازی بھی دکھائی ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن ہم نے، یہ ہمارے مہمان ہیں، مشکل وقت کے لوگ ہیں، اور ہم نے پوری طرح جو بھی جتنا بھی ان کا وقت دیا ہے، ہم نے ان کو کوئی مہمان نوازی دکھانی ہے جو دکھائی ہے. یہ جو آخر میں پوائنٹ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پارٹی کا ڈسپلن امپوز کرنا ہے. ایک ایم این اے، ایک ڈسپلن کمیٹی بنائی گئی ہے، ایک ہمارا پختونخوا کا ایم این اے ہے اور 2 MP ہیں جو اس ڈسپلن کمیٹی کے سامنے حاضر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پارٹی کے ڈسپلن کی بڑی خلاف ورزی کی ہے. اور اگر انہوں نے صحیح اپنی صفائی پیش نہ کی، جمہوریت ایک طرف ہے، فریڈم آف ایکسپریشن پارٹی میں رہے گا، لیکن پارٹی ڈسپلن اب، کیونکہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ 7 تاریخ کو جو ہماری ہے تحریک احتساب شروع ہو رہی ہے، 7 تاریخ کو پشاور سے شروع ہوگی، پنڈی کو پہنچے گی ریلی ہماری. ہم کسی قسم کا ڈسپلن، انڈسپلن، پارٹی کا ڈسپلن جو توڑے گا، اب کوئی اس کے اوپر رعایت نہیں کی جائے گی، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو میں یہ سب سے پہلے سوال یہ تھا پرویز خٹک کے حوالے سے، کچھ ابہام پایا جاتا ہے بڑے سائی کے جانے کے بعد، آیا اگلا 1.5 سال بھی ایز اے چیف منسٹر پرویز خٹک ہی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اور آپ کے توسط سے وزیر اعظم نے سوال ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، اس حوالے سے آیا مرکز کو ریکوزیشن بھجوا رہے ہیں یا نہیں؟ اس پہ سر وزن نہ کیجیے گا، شیشہ ٹوٹ سر، شیشہ ٹوٹ بنوانا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور قرضے معاف کرانے والوں میں آپ لوگوں کا بھی نام آگے جا کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں، قرضے معاف کرانے والوں میں ان کا بھی نام آگے جا کے تین صاحب کے نام دیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں پارٹی کے اندر اچانک خبریں سامنے آتی ہیں کہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ کے ٹکے کے اندر، اس پر آپ کا کیا؟ دیکھیے جی، میں پہلے تو
परवेज ठंडक मेरे साथ ना खड़े होते, अगर वो जो सिंध के साई का की तरफ हमने भी जाना था वो मेरे साथ आज ना खड़े होते। मैंने पहले आपको कहा है कि जो इन्होंने काम किए हैं पख्तूनख्वा में हमें फ़ख्र है इस पर। ये कभी यानी जो जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, देखिए कोई पावर नहीं छोड़ता, सारे इकतदार में आके चीफ मिनिस्टर सारी पावर पकड़ के बैठ जाता है। ये चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को, हाँ मैं भूल गया कहना, पुलिस एक्ट, पुलिस एक्ट, हम पुलिस एक्ट पास कर रहे हैं। पहले जुबानी था और अभी तक तो हमने सिर्फ उनको वैसे ही एम्पावर किया हुआ था ना, अब एक पुलिस एक्ट लेके आ रहे हैं, 2016 पुलिस ऑर्डर लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह सारे सूबों को अब दिखाएंगे कि कैसे एक पुलिस को गैर जानबदार गैर सियासी बनाया जाता है। ये एक्ट के तहत अब हम करने लगे हैं। मैं इनको ये दाद देता हूँ अब तक कि एक्ट के बावजूद उन्होंने पुलिस को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया मुखालफीन के खिलाफ। पंजाब और सिंध के अंदर सबसे बड़ा पुलिस का मसला इसलिए है कि सिंध के अंदर तो आईजी ने आज कह ही दिया है, आज उसका बयान आ गया है कि जब तक आप पुलिस को गैर सियासी नहीं करेंगे कुछ नहीं मैं कर सकता। और पंजाब में तो हमें पता ही है कि छोटू गैंग को जब पुलिस को मुकाबला करना पड़ा तो क्या हुआ आपके सामने, इसलिए वहाँ की पुलिस का हाल हमें पता है। पख्तूनख्वा की पुलिस को हम पुलिस एक्ट के तहत मेरिटोक्रेसी, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, इंडिपेंडेंस होगी, और फिर पब्लिक सेफ्टी, ये भी पहली दफ़ा है कि पब्लिक यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनेगी एक ताकतवर जो ओवरसी भी करेगी, फिर प्रोविंशियल लेवल पे पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनेगी, उनको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस भी मिल जाएगी और ओवरसी भी किया जाएगा प्रोविंशियल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक सेफ्टी का। ये मैं भूल गया था कहना, तो मैं परवेज खट्टक को दा देता हूँ इसकी, अपने से पावर ली, अपना सीएम हाउस नथिया गली में सबसे खूबसूरत जगह है गवर्नर हाउस के अलावा। मुझे भी तकलीफ हुई है कि ये दे रहे हैं क्योंकि मेरा मुझे बड़ा मज़ा आता है नथिया गली में रह के। अब तो आप तो ये आवाम के लिए हो जाएगा, तो कितने उन्हें छोड़ी है, कितनों ने पावर छोड़ी है, कितनों ने इनका खर्चा देखें सीएम हाउस का, और बाकी पंजाब और उससे मुकाबला करें जो सीएम बादशाह पंजाब में बैठे हुए हैं और जो जो उधर सिंध में बैठे हुए हैं, मुकाबला तो करें कि एक सादगी इख्तियार की, अपने से पावर लेकर बल्दियात में दी, अपने से पावर लेकर पुलिस को दी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की, तो ये सारा कुछ सीएम को क्रेडिट जाता है। तो मैं कैसे इनका वो साई वाला जो सिंध में हुआ है उसका करूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स आए थे हमने अब कानून पास कर दिया, जो शोर मचाते थे कि जी इधर ज़्यादा पैसा खर्च हो गया इधर का, हमने डिस्क्रेशन ही ख़त्म कर दिया, अब कोई कह ही नहीं सकेगा, डिस्क्रेशनरी फंड ही ख़त्म हो गए हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बन गई है, वो खुद ही फैसला करेगी मेरे नीड बेसिस के ऊपर एक किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा जाना है, वो भी इशू चला गया है। और ये जो एमपीए के फंड्स के ऊपर था कि जी ये उसको फंड ज़्यादा मिल गया, वो भी ख़त्म हो गया, एमपीए से फंड ही ख़त्म कर दिए, तो और क्या चाहते हैं परवेज खट्टक से। अच्छा ये अब मैं चैलेंज करता हूँ कि ये करके दिखाए शहबाज शरीफ, चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि सिंध में जो भी नहीं आता है वो ये करके दिखाए जो ये हमने एक्ट पास किया, चैलेंज करता हूँ। एक मिनट मुझे ये बताएं कि 285 अरब के जो कर्जे माफ हुए हैं कितने हैं? अच्छा ये इनको पैनमा के बाद याद आए, मैं सवाल पूछता हूँ ये पैनमा के बाद माफ हुए? ये तो सारे कर्जों के ऊपर एक जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा 2013 से पड़ा हुआ है कि कौन कौन लोग हैं जिनके कर्जे माफ हुए, क्यों नहीं एक्शन लिया? ये सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि अच्छा जी अगर पैनमा की बात करेंगे तो हम आपके ऊपर भी कोई ना कोई डाल देंगे। ये तो इस तरह है कि अगर मेरे पर कुछ करोगे तो मैं वो भैंस की चोरी का केस डाल दूंगा, ये तो ब्लैकमेल है। ये भी ये जिम्मेदार है, अगर कर्जे रिट्रीव नहीं किया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ये ब्लैकमेल क्यों करिए अखबारों में नाम दे के, पकड़े लोगों को। मुझे नवाज शरीफ कहते जी कि आपके वहाँ एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, और मियाँ साहब अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ FBI आपके नीचे मेरे ऊपर एक्शन करो, लेकिन मेरा मुंह बंद करवा रहे हो कि मैं आपकी पैनमा की चोरी सामने ला के लेके आ रहा हूँ। 7 तारीख को इंशाल्लाह 7 तारीख को एक और सुनते हो ना, 7 तारीख में 7 तारीख को पाकिस्तान तैयार हो जाए। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 7 तारीख को सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस शुरू हो रही है,
अभी हम वो नहीं करने जा रहे जो कि अगर इन्होंने पैनामा के ऊपर ये समझ रहे हैं कि लोग आराम से हम इसके ऊपर लोग भूल जाएंगे पैनामा को, ये भूलने नहीं लगी कौम, कौम जवाब चाहेगी। ये तो पब्लिक अवेयरनेस सिर्फ शुरू है, लोगों को करप्शन का बता रहे हैं कि हर चीज़ की, गुर्बत की, बेरोजगारी की, इन्वेस्टमेंट ना आने की, इदारे तबाह होने की जड़ करप्शन है। लोगों को हम तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह साथ से शुरू करेंगे। इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि कौम एहतसाब चाहती है, और उनका मजीद ये कहना था कि जो बदतमीजी की गई कारकुनान की जानिब से उसकी तरफ से मौजरत चाहते हैं।